मैं हूँ कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल कृष्णा गैलरी में। सो गाइस आज की फोटो शो की क्लास में हम सीखेंगे थंबनेल बनाना। तो गाइस कुछ दिन पहले ही वेडिंग सेशन खत्म हुआ है और सभी को यूट्यूब पे वीडियो डालना है, फेसबुक पे वीडियो डालना है। तो गाइस इस फोटो शो के ट्यूटोरियल में हम बहुत ही बेसिक और अमेजिंग यानी कि बहुत कम टाइम में एक बहुत ही अमेजिंग थंबनेल जो आपको बहुत ही प्रीमियम आपके काम को शो करेगा आप कैसे बना सकते हैं सीखेंगे। तो गाइस इसलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर ही सारा पार्ट को देखें। सो वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप मेरे वेबसाइट पे जाके आप जो भी यहाँ पे स्ट्रोक यूज हो रहा है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे फोटोशॉप पे। फोटोशॉप पर आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल एन प्रेस करना है या फिर क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे देखिए मेरा कस्टम में ऑलरेडी यहाँ पे 9020x1080 और यहाँ पे रेजोल्यूशन 72 है। मैं इसको 300 कर देता हूँ, आप यहाँ पे 72 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे नया एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको जैसे भी यहाँ पे देखिए जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, आपको सिंपली यहाँ से ये वाला ब्रश का जो एक ये पीएनजी है और यहाँ पे टेक्स्ट है ये आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे तीनों चीज को सबसे पहले मैं ये दोनों को पकड़ के यहाँ पे अपने फोटोशॉप पे खोलता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे रखता हूँ, रखने के बाद इसको डन करता हूँ और यहाँ पे जो हमारा ये टेक्स्ट है इसको भी हम लोग डन करते हैं। सिंपली अभी क्या है, मैं ये वाला लेयर के नीचे यहाँ पे एक सॉलिड कलर का एडजस्टमेंट लेता हूँ। आप कोई भी कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे ये वाला पीएनजी है इसको आप कंट्रोल टी करके आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। आप इस साइड भी इसको रख सकते हो, आप इस साइड भी इसको रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस केस में यहाँ पे रखता हूँ इतना पे और इसको मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ इस साइड से पकड़ के ऐसे करके। ठीक है, अभी सिंपली मैं इसको उठा के नीचे कर दूंगा और ये वाला जो फोटो है इसको मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क से इसके अंदर मास्क कर दूंगा। ये देखिए ओके। अभी सिंपली आप इसको इसको फोटो को एडजस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फोटो को जूम करूंगा अप्रोक्सीमेटली इतना, आप यहाँ पे थोड़ा और जूम कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं। देखिए ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फोटो को सेट कर दिया। आप यहाँ पे कोई भी अपना फोटो यूज कर सकते हैं, कपल फोटो यूज कर सकते हैं, सिंगल फोटो यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इस ये वाला जो लेयर है इसका मैं कंट्रोल जे करके और एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद सिंपली इसको मैं बैकग्राउंड जहां पर हमारा बैकग्राउंड यानी सॉलिड कलर है उसके ऊपर मैं रखता हूँ और इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी करने के बाद इसको मैं बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद सिर्फ इसका जो मतलब ब्राइट का जो लहंगा है उसका जो ये वाला पार्ट है मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा ऐसे करके और मैं इसको कंट्रोल माइनस करके छोटा करके कंट्रोल टी करके और थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको ऐसे करके बड़ा करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। अभी देखिए मैंने इस साइड में सेट किया, इस साइड भी हमारा मैं चाहता हूँ सेम चीज आए तो मैं इसको क्या करता हूँ कंट्रोल जी करके और एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। सिंपली इसको उठा के यहाँ पे लाता हूँ। अभी देखिए इस साइड भी आपका ब्लैक पार्ट आ रहा है तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, मास्क करना है। मास्क करने के बाद यहाँ से ब्रश लेना और यहाँ से व्हाइट कलर लेना है। ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हार्डनेस को 0 रखिए आप और ऐसे करके कंट्रोल आई प्रेस कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आप इसको ये कर दीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे आपको ये लेयर बंद करके दिखाऊं तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है ये, तो ये बैकग्राउंड वाला पार्ट अगर आपके पास टाइम कम है आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ से नॉर्मली जैसे मैं दोनों लेयर को बंद करता हूँ यहाँ पे आप डबल क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी कलर को रख के भी ये इसको बना सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड को यूज करूंगा और यहाँ पे हमारा पूरा जो है कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद मैं ये दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सिर्फ प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल ई करके मार्च कर देना है। मार्च करने के बाद इसको सिंपली आप इसको ऑपेसिटी को कम कर दीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये हो जाने के बाद अभी सिंपली इसको फिर से मैं मास्क करता हूँ। मास्क करने के बाद यहां से मैं लूंगा ग्रेडियंट और यहां से लूंगा ब्लैक कलर और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, अभी देखिए ये बहुत ही अमेजिंग आपको लुक प्रोवाइड करेगा। अभी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ। जैसे अभी देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप के कलर को डालते हैं, ये देखिए परफेक्ट है। और यहां से मैं थोड़ा सा इसको और एक कलर का एडजस्टमेंट करूंगा, जैसे यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से एक नया लेयर ले लूंगा और ग्रेडियंट हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं वहां से हल्का ब्लैक कलर का यहाँ से ब्लैक कलर पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से हम ऐसे करके ब्लैक कलर को डालते हैं, इसका वैल्यू को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, तो ये आपको फोटो को बहुत अमेजिंग लुक देगा। अभी यहाँ पे हमारा काम बच जाता है टेक्स्ट लिखने का, तो आप सिंपली यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके अपने हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। बट मैंने कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी बना रखा है, जैसे मेरा यहाँ पे है, मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा पीएचडी है। तो मैं इसको टोटल को जो है एक बार मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे करके, सिलेक्ट करके यहाँ पे लाता हूँ, ला के रखता हूँ। अब इसको कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए छोटा कर लिया मैंने।
अभी हमारा जो यहाँ पे ब्राइड ग्रूम का नाम है राजेश, तो मैं यहाँ पे राजेश लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं मनीषा ही रहने देता हूँ, इसको चेंज नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको नाम को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट मेरा क्या, यहाँ पे जैसे ये वाला जो, ये जो मेरे मतलब ब्रश का जो ये है, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ सिंपली। और यहाँ से ये जो पूरा चीज है इसको एडजस्ट करते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, जो कॉर्ड लिखा हुआ है ब्लैक कलर का जो नहीं दिख रहा है, इसमें डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा था, बट मैं अभी यहाँ पे आया गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। व्हाइट करने के बाद ओके करते हैं। यहाँ पे इसको मैं जीरो रखता हूँ, थोड़ा सा ये खिल जाएगा, और इसका जो वैल्यू है थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखिए परफेक्ट लग रहा है। अभी यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे वेडिंग सिनेमैटिक वेडिंग लिख देता हूँ, सिनेमैटिक वेडिंग फिल्म्स 2023। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं यहां पर, इसका आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर टेक्स्ट को चेंज कर दे रहा हूं, सिंपली सबसे ऊपर चला जाऊंगा और यहां से आप कोई भी टेक्स्ट को ले सकते हैं। जैसे मैं यहां पे ये ले लेता हूं, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज, पूरा टोटली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अभी नीचे मैं यहाँ पे और इसको कॉपी करके रखता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना कंपनी का नाम लिख देता हूँ, कृष्णा कृष्णा गैलरी वेडिंग्स फोटोग्राफी फोटोग्राफी एंड फिल्म्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा और कस्टमाइज करके इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या करूंगा, ये तीनों जो हमारा टेक्स्ट है सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग ऊंचा करते हैं, ऊंचा सेंटर में रखते हैं, यहाँ पे देखिए। तो गाइस ऐसे करके बहुत ही बेसिक में आप बहुत कम टाइम में ऐसे करके बहुत ही अमेजिंग थंबनेल बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां पे आपको बहुत ही अच्छा फोटोग्राफी टिप्स मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।